एहतराम के साथ हमने सब्ज परचम लगाया। दावत इस्लामी के मदनी परचम में तो वैसे भी तीन नस्बतें हैं शामिल हैं। एक तो सब्ज गुम्बद शरीफ की नस्बत है, फिर यह के बीच में गौस पाक के गुम्बद पर ये जो फिरोजी कलर और फिर इसमें कुछ नक्श बने हुए हैं, तो ये सरकार गौसे आजम के गुम्बद शरीफ की हूबहू नकल है। और ये तीसरा जो है सरकार आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पुरनवार का जो गुम्बद शरीफ है उस पर इस तरह कलर किया हुआ है, वाइट ब्लैक इस तरह नक्श बने हुए, तो इनकी हमने ये यादें डाली हैं। तो ये झंडा तो अच्छों की यादों वाला है, अब इसका तो एहतराम हर हर एक आशिक का दिल जानता है कि किस तरह करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। तो अब ये कि लगाया तो सही, अब उठा कर माज़ अल्लाह तो इधर फेंका उधर फेंका, नहीं, इसको भी एहतराम से जैसे कि निकालें, फिर ये कि इस तरह इसको गोल कर लें, तो ये इसकी थोड़ा मतलब यानी कि अच्छी तरह यानी कि ये तो मुड़ जाता है इस वक्त, तो एहतराम से एहतियात से करेंगे ना तो ये फ्रेश रहेगा। प्लास्टिक की थैली में या कपड़े की थैली में डाल के इसको मतलब रख देंगे एहतराम के साथ एहतियात के साथ, तो इंशाल्लाह आइंदा साल आपको ये फ्रेश मिलेंगे। वरना ये कि लगे हुए छोड़ देते हैं फिर आखिरकार हवा धूप और फिर ये हवा में इसके टुकड़े और ये मज़ा नहीं आता, बोलते हुए मज़ा नहीं आता, तो आपके टुकड़े देखते हुए मज़ा कैसे आता है। 13वीं रात हो गई, 13 तारीख को सुबह इसको समेटना शुरू कर दें, बल्कि रातों रात अगर आमदोरफ्त पूरी हुई तो अब इसको आप समेटना शुरू कर दें और बत्तियां वगैरह उतार कर इसको महफूज कर लें। बाज लोग दिन दिहाड़े भी जला रहे होते हैं, बस सो जाते हैं, रात को लोग चले गए तो बत्ती भी चली गई, इसकी भी छुट्टी।